are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson number 3, The Little Girl, class 9th. स्टूडेंट्स, हम इसमें लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड के द्वारा लिखित द लिटिल गर्ल के ये वीडियो नंबर 3 है. एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की ये वीडियो नंबर थ्री. इससे पहले हमने दो वीडियो इसकी ओर बना दी हैं. ये पैसेज नंबर 5, 6 एंड 7 है. आइए शुरू करते हैं. नोट, रीड द पैसेजेज गिवन बिलो. नीचे दिए गए पैसेजेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे एग्जाम होने हैं और उसमें ओएमआर सीट आनी है, उसमें इसी प्रकार से पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और सही ऑप्शन को चूज करके हमें ओएमआर सीट में उस रिंग को ब्लैक करना है या ब्लू करना है जो आंसर का है. तो आइए शुरू करते हैं. पैसेज नंबर 5, ये पैसेज नंबर 5 है. दी McDonald's lived dot 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 laughing all the time. The McDonald's lived next door. McDonald का परिवार पड़ोस में ही रहता था. जो छोटी लड़की केजे नाम की है, उनके घर के पास में ही रहता था. They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस में चार दीवारी के झिर्री में से, गैप में झिर्री या झरोखा, चार दीवारी के झरोखे से देखते हुए, यानी कि छोटी लड़की चार दीवारी की झिर्री में से या झरोखे में से या दरार में से देख रही थी. द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, छोटी बच्ची ने सा देखा देम उनको प्लेइंग खेलते हुए, टैग नाम का खेल, इन द इवनिंग शाम के समय. टैग नाम का खेल क्या होता है? पकड़म पकड़ाई, छुआ छुआई. तो शाम के समय चार दीवारी के झरोखे में से झांकते हुए देखते हुए छोटी लड़की ने उनको, किनको, मैकडोनाल्ड्स के परिवार को पकड़म पकड़ाई या छुआ छुआई का खेल खेलते हुए देखा. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. दी फादर, पिता बच्ची को, माओ नाम की बच्ची को अपने कंधे पर बैठाए हुए. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और दो छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट की जेब से हैंगिंग मींस लटकते हुए, यानी कि पिता अपने कंधों पर माओ नाम की
बच्ची को कंधे पर बैठाए हुए और दो छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट की पॉकेट से जेब से लटके हुए थीं। रेन राउंड एंड राउंड दी फ्लावर बेड्स। वो पिता जो अपने कंधे पर माओ नाम की छोटी बच्ची को बैठाए हुए था और दो छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट की जेब को जेब से टंगी हुई थीं। वह पिता फ्लावर बेड्स फूलों की क्यारी के रेन राउंड एंड राउंड चारों ओर घूम रहा था, शेकिंग विद लाफ्टर, और वे हंसी से हंस रहे थे, अर्थात छुआछुआई का खेल खेलते हुए वो सब ठहाके के साथ हंस रहे थे। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। एक बार क्या होता है, सीसा उसने देखा केजिया नाम की लड़की ने चारदीवारी की झीरी से या सुराख से देखा कि लड़के जो उसके लड़के थे मैकडोनाल्ड के ने टर्न मिस घुमाया या की ओर किया दी होज पानी का पाइप ऑन हिम उसकी ओर, यानी कि एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर कर दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। लाफिंग ऑन दैट ऑल द टाइम का मीनिंग है लगातार हंसते हुए। ही ट्राइड उसने कोशिश की टू कैच देम उनको पकड़ने की, और जो मैकडोनाल्ड था उसने लगातार हंसते हुए उन लड़कों को पकड़ने का प्रयास किया। आइए इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं। नंबर वन, हाउ वर मैकडोनाल्ड्स एसोसिएटेड विद केजिया एंड हर फैमिली। हाउ वर मैकडोनाल्ड्स एसोसिएटेड, किस प्रकार से मैकडोनाल्ड का परिवार एसोसिएटेड संबंधित था विद केजिया, केजिया के साथ, एंड हर फैमिली और उसके परिवार के साथ, यानी किस प्रकार से मैकडोनाल्ड के परिवार का केजिया और उसके परिवार से संबंध था। क्या संबंध था? ए किथ परिचित थे, जान पहचान के थे, किन्स नाते रिश्तेदार थे, कुटुंब के थे, सी कजिन्स चचेरे भाई बहन थे, डी नेबर्स या पड़ोसी थे। तो स्टूडेंट्स, मैकडोनाल्ड केजिया और उसके परिवार का क्या था? पड़ोसी था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ केजियाज फादर। मैकडोनाल्ड किस प्रकार से केजिया के पिता से अलग था, भिन्न था? ए ही वाज मोर शॉर्ट टेम्पर्ड, वह अधिक गुस्सैल था। शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सैल, गुस्सा करने वाला। बी ही वाज मोर हॉट हेडेड, वह अधिक क्रोधी था। ही लॉस्ट हिज कूल अर्लियर देन दैट ऑफ केजियाज फादर बट स्पेंट टाइम विद हिज चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, ही लॉस्ट उसने खो दिया था हिज कूल अपना शांत स्वभाव अर्लियर पहले ही, देन दैट ऑफ केजियाज फादर केजिया के पिता से पहले ही वह अपना शांत स्वभाव खो चुका था। बट स्पेंट टाइम विद हिज चिल्ड्रन, लेकिन वह बच्चों के साथ समय व्यतीत करता था। डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका डी ऑप्शन सही है।
नंबर थ्री, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन राउंड एंड राउंड? ये फ्रेज है, इस फ्रेज में राउंड एंड राउंड फ्रेज में कौन सी साहित्यिक डिवाइस या योजना का, साहित्यिक योजना का प्रयोग किया गया है, जिसे हम लिटरेरी डिवाइस में हम अलंकार भी कह सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला है ए जययुग्मा। जययुग्मा क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां एक शब्द को दो अन्य शब्दों या बातों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कहें कि उसने अपना मुंह और अपना थैला खोला, ही ओपन्ड हिज माउथ एंड हिज बैग। तो इस तरह से एक शब्द का प्रयोग दो चीज के लिए करना जयुग्मा कहलाता है। बी मेटानीमी। मेटानीमी उसे कहा जाता है जहाँ किसी पदार्थ के लिए उसका नाम कहा जाता है, जैसे हम कहें दिल्ली ने वाशिंगटन से बातचीत की। इसका क्या मतलब है? दिल्ली मीन्स भारत सरकार, भारत सरकार दिल्ली में है इसलिए वहाँ उसको दिल्ली कहा जाता है, और अमेरिका की सरकार वाशिंगटन है, वहाँ से केंद्रित होता है सारा अमेरिका। तो इस प्रकार से प्रयोग किए गए शब्दों को मेटानीमी कहा जाता है। या आज बाइडन ने दिल्ली से बातचीत की, दिल्ली मीन्स भारत सरकार। तो इस प्रकार से प्रयोग होने वाले शब्दों को मेटानीमी कहा जाता है। सी रिपीटिशन। रिपीटिशन पुनरावृत्ति, एक शब्द का बार बार प्रयोग होना रिपीटिशन कहलाता है। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में भी किसी चीज का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन उसमें शब्द नहीं होता, केवल शुरुआत का अक्षर होता है। तो यहाँ पर भी राउंड है और यहाँ पर भी राउंड है, तो इसे हम एलिट्रेशन नहीं कहेंगे, ये होगा रिपीटिशन। यहाँ पर राउंड वर्ड को दो बार प्रयोग किया गया है, तो ये रिपीटिशन होगा, एलिट्रेशन नहीं। नंबर फोर, हाउ डिड केजियाज फादर डील विद हर? केजिया का पिता केजिया के साथ कैसा व्यवहार करता था? वुड नेवर प्ले विद हर, उसके साथ कभी नहीं खेलता था। बीट हर फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए पीटता था। रिमेंड बिजी इन हिज वर्क, अपने काम में व्यस्त रहता था। एंड हार्डली पेड अटेंशन, और मुश्किल से ही ध्यान देता था। डी ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो स्टूडेंट्स इसका डी ऑप्शन सही है। वह उसके साथ कभी खेलता नहीं था, उसकी गलती पर उसे पीटता था, और अपने काम में व्यस्त रहता था, मुश्किल से ही ध्यान उसकी ओर देता था। पैसेज नंबर सिक्स, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर डॉट डॉट कैंडल इन हिज हैंड। ये इन हिज हैंड है, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, परंतु वही पुराना स्वप्न केजा के मन में आया, केजा को दिखाई दिया, वही पुराना डरावना स्वप्न आया। द बूचर विद अ नाइफ एंड ए रोप, बूचर मीन्स कसाई, विद ए नाइफ हाथ में चाकू, एंड ए रोप और रस्सी लिए हुए। हु केम नियर नियरर एंड नियरर, वह और अधिक निकट आया, वह करीब और करीब आया, वह
अधिक निकट और अधिक निकट आया, स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, उस डरावनी भयानक हंसी के साथ मुस्कुराते हुए वह कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए और अधिक निकट आया। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि सी कुड नॉट मूव, वह हिल डुल नहीं सकी सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वह स्थिर खड़ी रही, क्राइंग आउट, रोते हुए। क्या कह रही थी रोते हुए? ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। सी वोक अप, यानी कि वो स्वप्न देख रही थी, हिल डुल नहीं सकती थी, केवल शांत खड़ी रही, स्थिर खड़ी रही और चिल्ला करके कह रही थी, दादी माँ, दादी माँ। और ऐसे कहते हुए सी वोक अप, वह जाग गई शिवरिंग, कांपते हुए, क्योंकि वह डर गई थी स्वप्न में, तो वो कांपते हुए जागी। और क्या देखा उन्हें अब उठी तो? टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, और अपने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए उसके पिता उसके बिस्तर के पास खड़े हुए हैं। उसने जब जब वह स्वप्न में डरावने स्वप्न को देख करके कांपते हुए जगी, तो उसने हाथ में कैंडल लिए हुए, मोमबत्ती लिए हुए अपने बिस्तर के पास खड़े हुए पिता को देखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड केजिया सी इन हर नाइटमेयर, केजिया ने अपने दुस्वप्न में, नाइटमेयर कैसे कहते हैं, डरावना स्वप्न, अपने दुस्वप्न में किसे देखा? ए बूचर कसाई को, बी डेंटिस्ट दंत चिकित्सक को, सी हेयर ड्रेसर बाल काटने वाले को, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो केजिया ने उस दुस्वप्न में, भयानक स्वप्न में, डरावने स्वप्न में कसाई को देखा। इसका ए पोर्शन, ए ऑप्शन सही है। सेकंड है, व्हाट डज द वर्ड शिवरिंग मीन, शिवरिंग शब्द का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? ए वैसे शिवरिंग मीन्स होता है कांपना, टू ट्रेम्बल विद एंगर क्रोध से कांपना, बी टू ट्रेम्बल विद एगोनी किसी पीड़ा से कांपना, टू ट्रेम्बल विद फियर और कोल्ड ठंड से या भय से कांपना, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका शिवरिंग का मीनिंग है ट्रेम्बल विद फियर और कोल्ड, ठंड से या भय से कांपने को शिवरिंग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या है, किसे कहते हैं नाइटमेयर? नाइटमेयर का मीनिंग होता है दुस्वप्न, भयानक स्वप्न, सपना। तो ए गुड ड्रीम, एक अच्छा स्वप्न, ए स्वीट ड्रीम, एक मधुर स्वप्न जो मन को अच्छा लगे, आनंद प्रदान करे, ए बैड ड्रीम, एक बुरा स्वप्न, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो नाइटमेयर का जो मीनिंग होता है वह बैड ड्रीम, बुरे सपने से या दुस्वप्न से होता है। नंबर फोर है, व्हाट मेड केजिया मोर स्केयर्ड, किस चीज ने केजिया को और अधिक भयभीत कर दिया, डरा दिया? ए हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माता ने, हर फादर, उसके पिता ने,
हर मदर उसकी माता ने, डी ऑल ऑफ दीज, इन तीनों ने। तो स्टूडेंट्स, हर फादर उसके पिता ने उसे भयभीत कर दिया था, ये ऑप्शन सही है। ये पैसेज नंबर 7 है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट डॉट 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 गॉट फादर डियर। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। टायर्ड आउट, थक करके, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की से पहले सो जाता था। कौन? केजिया का पिता। थक करके छोटी लड़की का पिता छोटी लड़की से पहले सो जाता था। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। ए फनी फीलिंग, एक विचित्र सी अनुभूति उसको हुई। पुअर फादर, यानी कि केजिया अपने पिता के बारे में जो एक गलत धारणा सी बनाए हुए थी, इस बात को वो समझ जाती है, तो एक विचित्र सी भावना, एक विचित्र सी अनुभूति उसको होती है। फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके मन में एक विचित्र सी अनुभूति होती है। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, आखिरकार इतने बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माता से अधिक कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छी कठोरता थी। नाइस मीन्स अच्छी, हार्डनेस मीन्स कठोरता। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें परिश्रम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो इतने थक जाते थे कि टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वे मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं हो सकते थे। जैसे यानी कि केजे का पिता इतना थक जाता था अपने काम से, परिश्रम से, कि वह मैकडोनल्ड की भांति अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे, क्योंकि परिश्रम से दिन भर में जो अपना कार्य करते थे, ड्यूटी करते थे, उससे तो थक जाते थे कि उनके पास थकावट के कारण अपनी बेटी केजे के साथ खेलने का मन नहीं करता था। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। सी हैड टॉर्न अप, उसने फाड़ दिए थे, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनके सभी सुंदर लेख केजिया ने फाड़ दिए थे। सी स्टर्ड सडनली, वह अचानक हिली, स्टर्ड मीन्स हिली, सडनली अचानक, एंड साइड, और जोर से सांस ली, या गहरी सांस ली, या आह भरी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा, क्या बात है बेटी। अनदर ड्रीम, क्या एक और डरावना सपना देखा। इस बात को केजा के पिता पूछते हैं कि क्या बात है, क्या एक और दूसरा डरावना सपना देखा। ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय के ऊपर है, मेरा सिर आपके हृदय के ऊपर ऊपर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए अर्थात धड़कते हुए सुन सकती हूँ। मैं इस हृदय की, मैं आपके हृदय की धड़कनों को सुन सकती हूँ कि आपका हृदय धड़क रहा है, और इसे मैं सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट,
फादर डियर, प्रिय पिताजी, आपका हृदय कितना बड़ा है या आपने इतना बड़ा हृदय प्राप्त किया है? इस बात को केजिया अपने पिता से कहती है। इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन सी स्टर्ड सडनली? सी स्टर्ड सडनली में कौन सी साहित्यिक योजना प्रयोग की गई है? हमने ये बताया था साहित्य योजना से मीनिंग क्या है, अलंकार। ए जयुग्मा, हमने आपको बताया था कि जयुग्मा कहाँ होता है लाइन में, जहाँ एक शब्द को अन्य दो शब्दों या बातों के लिए प्रयोग होता है, जैसे ही ओपन्ड हिज माउथ एंड हिज बैग। जो ओपन्ड वर्ड है वह माउथ और बैग दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। डी मेटानीमी, मेटानीमी कहाँ होता है, जहाँ किसी पदार्थ के लिए उनका नाम कहा जाता है, जिसे हम लक्षणालंकार भी कहते हैं। इससे पहली लाइन में हमने एक्सप्लेन किया था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाशिंगटन से बातचीत की। वाशिंगटन मीन्स अमेरिका की सरकार से, कौन है, बाइडन से। तो इस प्रकार से अमेरिका की सरकार के लिए जो वाशिंगटन नाम दिया है, क्योंकि वाशिंगटन क्या है, एक प्रशासनिक केंद्र है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है, तो इस प्रकार से प्रयोग किए गए शब्द मेटानीमी कहलाते हैं। डी रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, किसी शब्द का बार बार एक लाइन के अंदर तीन बार चार बार प्रयोग करना, शब्द अक्सर नहीं केवल शब्द, उसे रिपीटिशन कहते हैं। डी एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, इसमें भी किसी चीज़ का बार बार प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, इस प्रकार, और ये शब्द अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से प्रयोग किया गया अक्सर से बने अलग अलग शब्दों को हम इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं लाइन के अंदर। ये तीन शब्द दे रखे हैं, स्टार्ट जो है ये एस से हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा दो या तीन शब्द और आ सकते हैं। इस प्रकार से प्रयोग किए गए अक्षरों को हम अनुप्रास अलंकार यानी कि अलिट्रेशन के अंतर्गत लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी अलिट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर मीन? लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ है? देखिए, लुक मिस देखना, आफ्टर मिस बाद में देखना, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। इसका मीनिंग है देखभाल करना। तो टू लुक एट समवन, किसी की ओर देखना। बी टू स्टेयर एट समवन, किसी की ओर घूरना। टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना है, तो देखभाल करने का जो अर्थ आ रहा है वो सी का है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु कंफर्टेड द गर्ल इन द एंड? अंत में लड़की को कौन सुख प्रदान करता है, कौन आनंद प्रदान करता है? ए हर फादर, उसके पिता। हर मदर, उसकी माता। सी हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ। डी ऑल ऑफ देम, ये तीनों की तीनों। तो इसका सही ऑप्शन है हर फादर। अंत में उसके पिता ही उसे सांत्वना देते हैं, उसका ढाढ़स बंधाते हैं, उसको सुख प्रदान करते हैं। नंबर फोर है, व्हाट इज इट इन द स्टेटमेंट
आई कुड हियर इट गोइंग। इट इस स्टेटमेंट में, इस कथन में क्या है? ए ब्रेन, यानी कि जो इट है ये ब्रेन के लिए प्रयोग किया गया है। बी पल्स, नब्ज या नाड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। VEIN, वेन या नसों के लिए प्रयोग किया गया है। डी हार्ट, दिल के लिए प्रयोग किया गया है, हृदय के लिए प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये इट हार्ट के लिए प्रयोग किया गया है। सही ऑप्शन इसका डी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह स्टडी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।